निर्णायक लड़ाई में पहुंच चुका है राष्ट्रवाद, जिहादवादी, जिहादी आईएसआई के एजेंट और आतंकवादी अपने आप में चेत जाएं, नहीं तो भारत में जब बहुसंख्यक समाज जग जाएगा तो भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। दीनानाथ सप्ताह में नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से सियासत चल रहा है, आपको बता दें कि हरिभूषण ठाकुर बचौल को धमकी मिला है। इन्होंने खुले में नमाज को लेकर रोक लगाने की बात कही थी और अब इनको धमकी मिला। इनसे बात करेंगे, हरिभूषण ठाकुर बचौल है हमारे साथ। क्या कुछ हुआ है और कैसे धमकी मिली? रात 19:07 पर लगता है कि विदेश का नंबर है +14 24 25 45 6 7 9 से मुझे जान मारने की धमकी, चुप रहने की धमकी, नहीं कुछ बोलने की धमकी दी गई है। लेकिन मैं इन धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। ठीक उसी समय मेरे एक समर्थक दीनानाथ यादव की जिहादियों ने दुकान भी लूट ली है मधुबनी में, और सच कहना मैं छोड़ूंगा, ये धमकी से डरने वाला हूँ, गिदर भवकी से डरने वाला हूँ। निर्णायक लड़ाई में पहुंच चुका है राष्ट्रवाद, जिहादवादी, जिहादी आईएसआई के एजेंट और आतंकवादी अपने आप में चेत जाएं, नहीं तो भारत में जब बहुसंख्यक समाज जग जाएगा तो भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। आपने कहा था कि खुले में नमाज पर रोक लगाने, आज भी कहते हैं खुले में नमाज नहीं होना चाहिए, खुले में नमाज नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गैरकानूनी चीज है। क्या उसी को लेकर धमकी मिला है? बोला क्या क्या है? जब यही सब बोला है, 42 सेकंड तक बात हुई है। क्या 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 बोलता है लोग, धमकी क्या देता है? गिदर भवकी उसको कहिए, मार देंगे, बंद करो, क्या बोलते हो, यही सब और क्या। विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौल, बीएसपी से थे विधायक, और आज इनको धमकी मिला है। और आपने सुना कि किस तरीके से इनको धमकी मिला है, इन्होंने नंबर भी बताया है। 42 सेकंड तक बात हुई है, जो है खुले में नमाज को लेकर इन्होंने रोक लगाने की मांग की और उसी को लेकर इनको धमकी दिया गया है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार ये सवाल खड़े करते रहे। बता दें आपको कि शराबबंदी का मुद्दा हो या जिस तरीके से कहा जाए कि कई ऐसे मुद्दे बिहार में, उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और भी सुनवाते हैं कि हरिभूषण ठाकुर ने क्या कुछ कहा। ये लगता है जो कोई विदेशी नंबर है +14 24 25 45 6 7 9 से 19:07 पर मुझे कॉल आया है, जान से मारने की धमकी दी गई है। लेकिन मैं इन सब बातों से डरने वाला नहीं हूँ। ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये गजवा हिंद मानसिकता के लोग हैं, इन लोगों का समय अंत आ गया है। ये लोग अपने करनी से बाज आए, यहाँ ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है, भारत हम लोगों का देश है और हम इसके लिए जो भी होगा, जहां भी होगा, जैसा भी होगा, मुकाबला करने के लिए तैयार है। जो आप अलूल जरूर बक रहे हैं, बहुत अनसंट बोला है, 42 सेकंड बोला है। सर आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई है? सचिवालय थाना में शिकायत दर्ज कराए हैं।